रेखा वरुण कुमार और विशेष कुमार पुरी दोनों भैया खाना खा करके अपने काम पर निकल जाती है। दोनों ट्रेनिंग पर रहा है और दोनों कानपुर के रहने वाले हैं। दोनों एक कमरे में रहते हैं और देखा तो भैया बंद कमरे में अरुण कुमार दुनिया छोड़ करके चले गए। हम कहना उतरे आपका बताइए कि मामले बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षक अरुण कुमार के भैया सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलती है और बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितों में उनकी मौत हो जाती है। बतावा जाता है कि देखो भैया ऐसा है, विशेष कुमार पुरी और अरुण कुमार दोनों भैया कमरे से निकलते हैं साथ ही साथ खाना पीना खाए करके, और उसके बाद भैया अरुण कुमार पहले पहुंच जाती हैं। फिर वक्त अंदर से कमरा बंद रहा है। जब वक्त रात का पहुंचे विशेष कुमार पुरी तो कमरा खटखटावती हैं कि अरुण गेट खोलो, अरुण गेट खोलो। अरुण ना गेट खोलती है ना कोई जवाब देती है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस का सूचना देती है। कोठी थाने की पुलिस आ जाती है, फिर वीडियो बनावत हुए भैया गेट खोला जाती है तो पता चला था कि हाय रे अरुण दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल करें और खुद का गोली मार लें। अभी तक की बात भैया कही जा रही है। बतावा जाता है कि माइग्रेशन की समस्या से परेशान रहा है अरुण कुमार और इनके पास से सुसाइड नोटों मिला है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, परिजनन का सूचना भी दी है, परिजन से बातचीतों करी है तो बतावा जाता है कि परिजन भी बतावते हैं कि हाँ भैया माइग्रेशन की समस्या रहा है। अब तक सुनो भैया मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण जी दियत रहे। कोठी थाना क्षेत्र का मामला है, बताओ ट्रेनिंग पर तैनात रहा अरुण कुमार और दुनिया छोड़ करके चले गए। थाना कोठी में आज एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उप निरीक्षक अरुण कुमार ने जिस कमरे में रहते थे उसमें अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर प्रथम दृष्टया आत्महत्या कर लिया है। घटना की जानकारी करने के बारे में और मौके का निरीक्षण करने पर पाया गया कि जिस कमरे में अरुण कुमार अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर रहते थे उसी में विशेष कुमार पुरी भी रहते थे, वो भी अंडर ट्रेनिंग है। दोनों कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर नगर के दोनों एक साथ ट्रेनिंग किए हैं, साथ साथ यहां भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 11 बजे दोनों साथ साथ खाना खाए और लोग भी इसके साथ खाना खाए। खाना खाने के पश्चात विशेष कुमार कुरील यहां पर काम करने लगे और एक प्रार्थना पत्र की जांच लेकर इसकी जांच अख्या तैयार करके अरुण कुमार ने थाना कार्यालय में दाखिल किया। इसके पश्चात अंडर ट्रेनिंग प्रशिक्षणाधीन सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार अपने कमरे में चले गए। उस कमरे में जब शाम को लगभग 5 बजे विशेष कुमार कुरील जो साथी रहते थे राजकीय कार्यों से खाली होकर जब अपने कमरे की तरफ गए तो वहां देखा तो अंदर से कमरा बंद था। क्योंकि काफी देर तक वो दिखाई नहीं दिए तो तुरंत आके उन्होंने थाना प्रभारी को अन्य पुलिसकर्मियों को अवगत कराया। थाना प्रभारी वहां पर जब जाकर देखे तो वहां पर पाया गया कि अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर दरवाजे को वीडियोग्राफी कराते हुए उसको बलपूर्वक खोला गया और देखा गया कि उनको फायर आर्म इंजरी है सिर में और उन नीचे औंधे मुंह गिरे हुए हैं। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने माइग्रेन से उसके दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने की बात उन्होंने कही है। इस सुसाइड नोट का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही फिल्म को बुला लिया गया, वहां से सारे साक्ष्य संकलन किए गए, इसमें परिवारजन से भी बात किया गया, उनको अवगत कराया गया। वहां से भी पता चला कि माइग्रेन की इनको समस्या फिलहाल थी। पूरे प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अखिलेश नारायण जी की बात सुनिए आपने भैया। पर फिलहाल अरुण दुनिया छोड़कर के चले गए और बेचारे भैया विशेष कुमार पुरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा दोस्त इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अब जो भी है भैया जांच पड़ताल की जा रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शंबा सहज को सपोर्ट मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।